नवरात्र के अवसर पर डोंगरगढ़ पैदल देवी दर्शन के लिए निकले पदयात्रियों की सेवा में जुटा अग्रवाल सेवा मंडल, जिसमें पहुंचे सभी यात्रियों के लिए खाने के साथ दवाइयों की सुविधाएं रखी गई है। नवरात्र के शुरू होते ही भक्तों के मन में माता देवी के दर्शन करने की मंशा उमड़ पड़ती है। इसी कड़ी में डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए पदयात्रियों का बड़ा जनसैलाब निकल पड़ता है। साथ ही छत्तीसगढ़ से विभिन्न जगहों से लोग बड़ी संख्या में पैदल यात्रा करते देखे जाते हैं। इसी कड़ी में इन पैदल यात्रियों की भक्ति भाव को देखते हुए शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर विभिन्न संगठनों व सामाजिक सेवा समितियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर पैदल यात्रियों की सेवा करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अग्रवाल सेवा मंडल द्वारा शिवनाथ तट पर डोंगरगढ़ पैदल पदयात्रियों की सेवा के बृहद पैमाने पर पंडाल लगाए गए हैं, जिसमें पैदल यात्रियों की सुविधाओं के लिए खाने पीने के साथ मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में सेवा मंडल के प्रहलाद रूंगटा व पद यात्रियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग रायपुर से आ रहे हैं और इस पद यात्रा का एहसास ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि अभी पैर एकदम, पहले लग रहा था कि एकदम भारी भारी, अभी लग रहा है कि एकदम हल्का है। और यात्रा बहुत दूर से है कि रायपुर से यहाँ तक आने में 40 किलोमीटर लग गया कम से कम, और यात्रा में तो बहुत सारी मुश्किलें आ रही है। और जैसे कि हम लोग का एक्सपीरियंस था पहले का, अब 2 साल का गैप आ गया लॉकडाउन के कारण, इसलिए चलने में थोड़ा परेशानी जा रही है, पर हम लोग कभी हार नहीं मानेंगे, पूरा जाना है, मतलब जाना है। अग्रवाल सेवा मंडल द्वारा ये द्वितीय वर्ष है, यहाँ पे जो डोंगरगढ़ पदयात्री आ रहे हैं उनके लिए हम लोग निस्वार्थ रुकने की, ठहरने की, मेडिकल फैसिलिटी, नाश्ता भोजन और उसके साथ में चाय, सब की फैसिलिटी हम लोग यहाँ दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो डोंगरगढ़ के आ रहे हैं वो आराम से वहाँ तक का सफर पूरा करें और माता के दरबार में पहुँचे। पूरा समाज अपितु हम पूरे प्रदेश की खुशहाली के लिए इनके साथ है, और इनके जो जा रहे हैं डोंगरगढ़ पदयात्री, इनकी सेवा से हमको बहुत मनोबल और बहुत अच्छा लगता है और हमको बहुत आनंद की प्राप्ति है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।